मेजर जनरल छेबर, कर्नल कुमार और ब्रिगेडियर मेहता इंडिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर के एलओसी मैप्स को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। जो बात उन्हें अभी अभी पता चली थी वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। पॉइंट NJ9842 से काराकोरम पास तक के पूरे इलाके को, जिसमें सियाचिन भी शामिल था, पाकिस्तान ने अपना एरिया बता रखा था। ये सिर्फ काराकोरम की बात नहीं थी, यहाँ सवाल इंटरनेशनल बॉर्डर का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पाकिस्तान के बीच जो ओरिजिनल रैडक्लिफ लाइन ड्रॉ की थी वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ से होते हुए राजस्थान और पंजाब को पार करके जम्मू एंड कश्मीर तक जाती थी। ये LOC पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से अलग करती है। शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से इसे NJ9842 के पॉइंट तक इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया गया था, जहां से इंडिया की सीमा नॉर्थ में काराकोरम रेंज तक जाती थी और फिर उसके नॉर्थ की तरफ। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच एक ऐसी खास जगह है जो कि अगर ना होती तो दोनों एक होते। इन लाइंस के बीच सियाचिन ग्लेशियर का एक ट्रायंगुलर एरिया है, जिसकी जमीन बिल्कुल बंजर और बर्फीली है और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो जीरो है, लेकिन जियोपॉलिटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर की ये जमीन पाकिस्तान और चाइना को अलग करती है। सियाचिन इनके बीच में है और चाइना इसके ईस्ट में है, पाकिस्तान वेस्ट में। वो यहाँ इजीली जुड़ सकते थे अगर वो सियाचिन तक आ जाते, और अगर सियाचिन उनके कंट्रोल में होता तो वो आसानी से खार्दुम ला पास और ले तक पहुँच सकते। फिर उन एरियाज को डिफेंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए हमारे लिए अब सियाचिन को डिफेंड करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता था।